ये क्यों कर रही है यार, बार बार फोन मुझको परेशान कर रही है। मैंने उसे बोला था 5 दिन रुक के आना अपने घर में, उसकी 15 दिन हो गया, बार बार कॉल करे जा रही है। ये देखो फिर कॉल आया इसका। अब मैं नहीं उठाऊंगा आज तो उठाने वाला नहीं कॉल। जब तक ये हमारे घर में आएगी नहीं ना, तब तक मैं इसको कॉल नहीं उठाने वाला और नहीं उठाने वाला। पता नहीं इसको क्या अपने आप ने, मतलब इसने अपने आप को क्या समझ के रखा है, दिमाग खराब करके रखा है इसने। लो फिर आया कॉल, तो इसको ना ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूँ। अब करो बेटा तुम कॉल, तुम परेशान हो गए ना तो पता चलेगा। यार पता नहीं यार, मेरे को मेडिकल स्टोर वाले ने बहुत टोका कि भैया अब 15 दिन हो गया, 15 दिन तुम आते नहीं हो मेडिकल स्टोर लेने, ऐसे तो बड़ा रोज रोज आते हो, मेरे को बहुत गंदा लगता है। पता नहीं यार लड़की कैसी है, सोचा तो करे ना अपने हस्बैंड के बारे में। पता नहीं यार इसको कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो यार इतनी इतनी कॉल उठा नहीं रहे, इतना सामान है, यही नहीं कि चलो कॉल उठा ले, कुछ काम होगा इसको। चलो घर पे जाती हूँ, पक्का गुस्से में ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। चलो खुद कटा देती हूँ। अभी कौन आया, कौन है? अरे कुछ बोलू, कोई भी कौन है? मैं हूँ मैं हूँ। लो आ गई हो, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मेरे घर में छुट्टे वुट्टे नहीं है, जाओ यहाँ से। दरवाजा खोल दो। मेरे को दरवाजा नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। मेरे घर में मेरी वाइफ भी नहीं है तो तुमको छुट्टे नहीं मिलेंगे, वही छुट्टे देती थी तुमको। चलो जाओ। ओए भीख मांगने वाले लगते होंगे तुमको। अरे आटा नहीं है मैडम, जाइए यहाँ से। क्यों तो दिमाग खोल खराब रही हूँ करके मैं भी, रखा है? मुझे पता है तुम नाराज हो, तुम्हें आते थे भी जवाब देना जल्दी से आता है, पर खोल दो। और ये बार बार खटखटाना अब बंद कर दो, समझ लेना अब मत खटखटाना, मैं जा रहा हूँ अंदर। अरे यार पागल इंसान है क्या, बार बार खटखटा रही है? 5 4 5 बार खटखटाएगी ना तब खोलूंगा, इसे नहीं खोलूंगा मैं। मैं नहीं खोल रहा। अरे मैं नहीं खोल रहा, तुम खटखटा लो। आ रहा हूँ, रुको आ रहा हूँ ना, आप खटखटा मत देना, दिमाग खराब करके रखा है तुमने। हाँ आओ, क्यों हाँ दिमाग खराब करके रखा है तुमने? सुबह से फोन कॉल, गेट खटखटाना, आवाज देना, पागल समझ के रखा है क्या तुमने मुझको? गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? क्या आपने मेरे से क्या बोला था कि विकू मैं ना 4 5 दिन में आ जाऊंगी, और आज कितने डेज हो रहे हैं? 15 डेज हो रहे हैं, 15 डेज। था कुछ ऐसी सिचुएशन तो मुझे रुकना पड़ा बाबा। हाँ मेरे बगल से पहले हटो, गेट बंद करके आओ। नहीं और बैग वगैरह कहाँ गया तुम्हारा? बैग नीचे रखा है क्या? हाँ। जाओ ले के आओ। मैं लेके आऊँ तो क्या मैं लेके आऊँ? यार, जब बीवी मायके से आती है ना तो उनका हस्बैंड उनसे बैग उठाता है। तो बीवी जब मायके जाती है ना तो उनका हक होता है, जितना टाइम दे मतलब देख दे के गए तो उतने टाइम में आना होता है। और अपना टाइम देख लो, 4 5 दिन दिए थे, 15 दिन हो रहे हैं। लेके आती हूँ मैं। नहीं ना लेके आओ, मैं जा रहा हूँ, गिर जाओगे तो और आफत, मेरे ही खर्चे लगवाओगे तो। रुको यहीं खड़े रहो, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। अटेंशन ना, लंबे बहस तो हो नहीं सकती, ये जो भी रहे ना वो सुन लेना चाहिए, वरना कहीं ना कुछ नहीं हो जाएंगे, उसका फिर से हाथ पैर मारने लगेंगे। सच गुस्सा में तो ज्यादातर हाथ पैर ही मारते थे वापस। अरे ये तो यार 2 सूटकेस लेके गई थी, यहाँ तो 4 हो गए, अब क्या करूंगा, ले कैसे जाऊंगा? चलो दो दो करके ले जाता हूँ। 4 कहाँ से हो गए, समझ में नहीं आ रहा। हाँ कितना भारी है यार, बहुत ज्यादा भारी है।
ये लोग रखे हैं। ये बताओ, तुम तो दो लेके गए थे, यहाँ चार हो गए। तो मैं बताऊंगी क्यों चार हो गए। हाँ लो इसको अच्छा पकड़ो, फालतू की बकवास नहीं सुननी तुम्हारी मुझको। दो हाँ ये क्या किया? नहीं, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, जो तुम मेरे को मक्खन लगा रहे हो ना, वो बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ रहा हूँ, समझे? मेरे को ज्यादा मक्खन मत लगाओ। वैसे एक बात बताओ तुम मुझे, मैं बताना। क्या तुमको काम वाली मतलब भीख मांगने वाली गाय लगती हूँ? मुझको पता था आप ही हो, तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। इतना गुस्सा भरा है ना दिमाग में कि हटाओ, छोड़ो छोड़ो। तो सुनो किधर रखे हुए सामान उठाने से? नहीं जा रहा हूँ लेने। अच्छा नहीं नहीं हाँ छोड़ो, हाँ छोड़ो, मैंने बोला ना। अच्छा बाबा साहब तुमसे कहा बताओ। ठीक है बैठो। अरे तू नीचे अब तो सूटकेस रखे हैं, कोई उठा ले जाएगा फिर तुम्हारा, संभल लेना फिर। तो उसमें कुछ नहीं है। हाँ ऐसे उठा लाए थे क्या? भीख मांगने तो नहीं गई थी, मिल गया होगा। क्या बोले तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बोला खरीद के लाए अच्छा हो। अच्छा हाँ हाँ बताओ, तुम्हें क्या बात करनी थी उससे? मार्केट में गई थी वहां पे ना सूटकेस का सेल लगा था तो हाँ मैंने दो उठा लिए। अरे सेल लगा तो दो उठाया, फिर एक लेते ना, दो का क्या करेंगे हम लोग? एक ही कभी हमारे झगड़ा हो गया ज्यादातर तो दोनों अलग अलग लेके जा सकते हैं ना। एक बात बताओ ये चिपकना ना बंद कर दो, तुम बता रहे हो तुमको अच्छी तरीके से, तो चिपक रहे हो आप। पहले, एक बात बताओ मुझे, मैं कह रहा बोल हूँ बोलिए। तुमको क्या प्रॉब्लम आ गई? मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा क्यों? मुझको बस ये प्रॉब्लम है कि 4-5 दिन आपने बोला था ना 15, मैं बार बार ना मेडिकल स्टोर के शॉप की तरफ से जाता था, वो मेरे को जानता है, तो मेरे से बोलता था भैया 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। हमने कहा किस किस 6-7 दिन हो गए? कहते भैया ऐसे तो बड़ा रोज लेने आते थे, आज क्या हुआ? अब क्या हुआ, 15 दिन होने वाले हैं। क्यों, भाग गई क्या तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के? ऐसे बोल रहे, बताओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और तुमको क्या, तुम्हें तो बस हंसना होता है। हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो। मुझको कुछ नहीं सुनना, मुझको कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। और आज ना, आज मैं मेडिकल स्टोर वाले के मुंह में मार के आऊंगा रुपए, बोलूंगा ला 2 पेटी दे, आज मैं तुमको बता रहा मेरी बात सुनो, हूँ। बोलो। मैं ना तुमको बताती हूँ कि रीजन क्या था, फिर तुम मुझे बताती हो ठीक रीजन है? पता बताओ। अच्छा बताओ क्या रीजन है? है क्या हुआ? जो मैं मैरिज में गई थी तुमको बताती हूँ, वो मैरिज में ना क्या हुआ पता है? लड़की थी ना उसके नाना ना मतलब एक्सीडेंट हो गया तो ना और मैरिज पोस्टपोन हो गई। अब 15 दिन कैसे हुए मैं बताती हूँ। 5 दिन तो मैं गई थी ठीक है, तो फिर बाकी के ना 4-5 दिन छोड़ के ना मैरिज थी। तो फिर मैंने तुमको फोन करने की कोशिश की, पर तुमने गुस्से में 5 दिन के बाद तुरंत मेरा नंबर ही फोन ही नहीं उठाया कभी। तो मैं फोन कैसे उठाता? तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा? तुमने मेरे को समझा? तुम जानते थे ना मैं मतलब नहीं रह पाता है। 1-2 दिन चलो ठीक है, 4 दिन ठीक है, 5 दिन ठीक है, या 15 दिन हो रहे हैं। मैं ब्लॉक नहीं करूँ तो क्या करूँगा? मुझे अपना सामान लेना था कुछ, फिर तुमको फोन किया तुम उठाए नहीं, तो फिर मैंने वहीं चली गई और मम्मी ने भी बोल दिया कि तुमने एक काम करो अब इतना रुकी है ना तो रुक 3 4 और मैरिज ना खत्म करके। तो मैंने उनको बोला जैसे ही मैरिज खत्म होगी फिर मैं रुकूंगी आगे के लिए, फिर मैं तुरंत आ गई यहाँ पे। मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग बाबू, मुझे पता है तुम्हारी
बहुत प्यार करते थे, मुझे भी पता है। तो क्या करूँ, ऐसा रीजन था। और हमारा पता है ना, हमारा घर कितना मतलब दूर है यहाँ से। बार वो तो बार आ पता है यार, जाएंगे। दूर है, बट समझा करो ना, आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं पक्का बताना, गेट करूंगा और नहीं कॉल भी करूंगा। कुछ नहीं होगा, इधर एकदम तुम हाँ गोदी में चल रही हाँ हो। मतलब तुम तुम्हारे फीलिंग्स में वेस्ट नहीं जाए। ठीक है, आज तो ना 15 दिन का पूरा वसूलूंगा। ठीक है, कोई ना, वैसे तो मैं थक गई हूँ, पर ना कोई बात नहीं। आप थक गए होगे ना इतनी दूर हुँ। से आके, तो आप एक काम करो, हुँ। आप रेस्ट कर लो, मैं नीचे से हाँ कुछ लेके आ रहा हूँ। एक काम करो, सुनो, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं बनाना। काम करेंगे थोड़ी देर बाद ना, हम बाहर से मतलब कुछ मंगा लेना, तो दोनों खा के ना फिर सो जाएंगे, फिर शाम को उठ जाएंगे। ठीक है, वैसे भी रेस्ट करो, रेस्ट करो, फिर उसके बाद थोड़ा तैयार होकर फिर चलते बाहर खाने के लिए। तुम भी रेस्ट करो, इधर आ जाओ। ठीक है। पानी पीना है आपको? बिल्कुल, हाँ। लेके आ रहा हूँ। ये लो। काम करो, पानी को छोड़ो, तुम नहीं खाओ, सुनो बस रात के लिए बचा लो। साड़ी चेंज करके आती हूँ। ठीक है, सुनो, आज मैं चेंज करूंगा। अच्छा तुम चेंज करो। ठीक हाँ है, पहनना क्या है? लोअर और टी शर्ट में नहीं तो फिर या आप ही, लोअर तो फिर आप ही चेंज कर जाओ। क्या करता है? जाओ चेंज कर जाओ पहले। ठीक है, मैं आती हूँ। मैं प्यार करती हूँ सर का, पागल हूँ मेरे लिए। कुछ दिन में चॉकलेट भी नहीं डालती है। चलो अब मैं जाती हूँ। देखो चलो सो जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। आ रहा हूँ।